انصار कुछ नया लेके आए हैं। 15 या कितने साल पहले बुनियाद आया था टेलीविजन स्क्रीन पे, फिर तमस, उसके बाद कुछ वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। इस कहानी की खासियत ये है कि ये राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखी हुई है। उनकी तमाम शॉर्ट स्टोरीज में से ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज कहलाती है। और फॉर मी एज इज ग्रैंड डॉटर, इट वॉज अ परफेक्ट, एक होता ना भेंट देना अपने दादाजी के 100th बर्थ एनिवर्सरी पे, और जी ने बहुत सहायता की इस बात इसको लेके। तो मुझे, मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत बहुत बड़ा शो है। सो आई एम एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड, और सिर्फ एक बात है कि आई होप जो इन्होंने लिखा है मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँ। क्या आप क्या जानना चाहते हैं कि अच्छा, मैं राइटर ही बनी लाजवंती को जब पहली बार पढ़ा मैंने, और मैंने सोचा कि ये तो एक फिल्म है, और मैं दूसरे राइटर्स के पास गई, मैंने बोला ये डेवलप करनी है। तो उन्होंने जो मुझे फीडबैक दिया, और जो यू नो जैसे वो सोच रहे थे, मेरी और उनकी सोच में बहुत डिस्कनेक्ट था। और फिर मुझे एक बहुत जो हमारे एक फैमिली के फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला कि इला तुम क्यों नहीं लिखती, मैंने बोला पर मुझे लिखना आता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप राजेंद्र सिंह बेदी की ग्रैंडडॉटर, थोड़ा बहुत तो आप में होगा। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई 2000 में, लिटरली इन 2000 मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट लेकर मैं एक स्टूडियो गई थी एक्टर्स को मिलने। वहाँ पे मेरी भेंट अरुणा ईरानी के साथ हुई, और वो हमारे पापा को जानते थे। तो उन्होंने, बिट्टू आप इधर क्या कर रहे हैं, मैंने बोला अरुणा जी मैं बेदी साहब की कहानी है लाजवंती, उसको फिल्म में बनाना है, ये है स्क्रिप्ट। तो अरुणा जी ने मुझसे कहा कि फिल्म तो बनती रहेगी बेटा, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे पास आके मेरा शो लिख लीजिए मेहंदी तेरे नाम की। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई राइटर बनने की। और 15 साल लगे हैं लाजवंती को वहाँ से आज लाना। बहुत एक्साइटेड, क्योंकि देखिए कहानी अगर 47 में भी हो या 2015,
मैन वुमेन का रिलेशनशिप वही रहता है ना, जो लव स्टोरी होती है, जो दोनों के बीच में तकरार होती है. तो मुझे आई मुझे ऐसा एक 47 में जो रोमांस, जो वो उस इरा का रोमांस जहाँ ग्रामोफोन बजते थे, पिंड में लाइटें नहीं थी, वहाँ पे लैंटन के साथ हम लोग ने लाइटिंग की है. तो मेरे लिए तो लिखना मीन्स बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. ट्विस्ट टर्न्स तो उस दौरान में, उस दौर में इतना कुछ हुआ के, और रिसर्च मैंने इतनी की हुई है कि बहुत कुछ है कहने को, पर पता नहीं मैं कह पाऊंगी कि नहीं उतने लिमिटेड टाइम में. आप प्लीज लाजवंती देखिए, आपको नहीं लगेगा कि ये एक ओल्ड फैशन लव स्टोरी है, क्योंकि इरा वो है, पर जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत कंटेम्प्रेरी हैं, क्योंकि हमारा जो हीरो है वो शहर का लड़का है और लड़की गांव की लड़की है. तो दोनों के बीच कैसे लव स्टोरी ब्लूम करती है, तो आई अश्योर यू आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे. आप प्लीज़ लाजवंती देखिए एंड ट्यून इन टू जी टीवी व्हेन इट गोज ऑन एयर. किसान वो देखे एक दो दो हाँ हाँ Hmm.